और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाते चालू कर देते हैं। पूरा पुण्य अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा सावन वापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटि देवता यक्ष गंधर्व देवता पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार पैदा हो जाता है। एक पुष्प कनेर देखा है, पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है, पहले उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का फूल। और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते, देखे किन देखे, अरे बोलो तो जम के देखा है ना। उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प भूलवश। आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था तो लोग ज्यादा आते पहुंचते। हमने कहा मैं लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है, जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। उस दिन लोग आने वाले कांवड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कांवड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की। आपको भी निवेदन है जो जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पड़ना चाहिए, 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन का मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर, सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, दो हाथ में सुंदर या तो तुम कंधे पर कांवड़ ले लो या हाथ में ले लो या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा कर रही है, भूलवश चढ़ गया, भूलवश अनायास। मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया, अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है, पुष्प देखा कनेर का पुष्प सम्मुख था छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया, समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था, ये स्थान देवी का हस्त कमल है, आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया।